वो घर के जिनमें मलाइका यानी अल्लाह ताला के रहमत और बरकत वाले फरिश्ते दाखिल नहीं हो सकते, बल्कि उन घरों में शयातीन रहते हैं। क्योंकि रिवायात में वारिद हुआ है कि इन्नल मलाइकत जिद शैतान, के मलाइका शयातीन के जिद होते हैं, यानी जहां जहां मलाइका यानी फरिश्ते हों वहां शयातीन नहीं आ सकते, और जहां फरिश्ते न आते हों वहां शयातीन आ सकते हैं। आइए रिवायात की तरफ नज़र करते हैं कि वो कौन से घर हैं कि जिनमें मलाइका यानि अल्लाह ताला के रहमत व बरकत वाले फरिश्ते नहीं आते। पहला घर, वो घर के जिसमें तस्वीर मौजूद हों। उस घर में कभी भी मलाइका यानि रहमत और बरकत वाले फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जैसे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीहि सूर, के उस घर में कभी भी रहमत और बरकत वाले फरिश्ते दाखिल नहीं हो सकते कि जिस घर में तस्वीर मौजूद हों। किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 62। दूसरा घर, वो घर के जिसमें कुत्ता मौजूद हो, तो उस घर में भी कभी भी रहमत और बरकत वाले फरिश्ते नाजिल नहीं होते। जैसे कि कायनात के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीहि कल्ब, के जिस घर में भी कुत्ता मौजूद हो तो उस घर में कभी भी रहमत और बरकत वाले फरिश्ते नहीं आते। किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 62। उलमा से सवाल किया गया कि इसकी क्या वजह हो सकती है कि जिस घर में कुत्ता मौजूद हो तो उस घर में मलाइका नहीं आते, तो जवाब में उलमा फरमाते हैं कि सबब इम्तिनाएहिम मिनल बैत अल्लज़ी फीहिल कल्ब लिकसरत अक्लिही अन्नजासात, कि जिस घर में कुत्ता मौजूद हो तो उस घर में मलाइका का आना इसलिए ममनू है क्योंकि कुत्ता अक्सर तौर पर नजिस चीज़ें खाता है। वले अन्न बाज़ुल किलाब युसम्मा शैतानन, और यहाँ तक के बाज़ किलाब को शैतान कहा गया है। यहाँ तक के इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुत्ता रखने में कोई भलाई नहीं है, हाँ सिवा इसके के अगर वो रेवड़ों की हिफाजत के लिए या शिकार के लिए हो तो आप रख सकते हैं। इसलिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुत्ते को घर आने न दें, अगर कुत्ता आपके पास हो भी सही तो आप लोग कुत्ते के दरमियान में और अपने घर के दरमियान में एक बंद दरवाज़ा फासला ज़रूर रखें, यानि कुत्ता घर से बाहर होना चाहिए। तीसरा घर, वो घर के जिसमें कत रहम करने वाले अशखास हों, यानी वो अशखास के जो सिले रहम नहीं करते। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल मलाइकत ला तुनज्जलु अला कौमिन फीहिम कातिउ रहमिन, के रहमत और बरकत वाले फरिश्ते उस कौम पर कभी नाजिल नहीं होते कि जिस कौम में कत रहम करने वाले अशखास मौजूद हों। यहाँ तक के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी सज़ा दुनिया में बहुत जल्दी मिल जाती है और आखिरत में भी उनकी सबसे बड़ी सज़ा है। पहला नंबर कत रहम, दूसरा झूठ, और तीसरी खयानत। किताब मीज़ानुल हिकमत जिल्द नंबर 2। यहाँ तक के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कत रहम करने वाला कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। चौथा घर, वो घर के जिसमें शराब पी जाए, तो उस घर में भी कभी भी रहमत और बरकत वाले फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जैसे कि हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीहि खम्र, कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस घर में भी कभी भी रहमत और बरकत वाले फरिश्ते दाखिल नहीं होते कि जिस घर में शराब मौजूद हो। पांचवा घर, वो घर के जिसमें ढोलकी यानि तबला हो।
जैसे कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीह दुफ, कि उस घर में कि जिसमें ढोलकी यानि तबला हो तो उस घर में भी कभी भी रहमत और बरकत वाले फरिश्ते दाखिल नहीं होते। छठा नंबर घर, वो घर के जिस घर में मेहमान नहीं आते तो उस घर में भी अल्लाह ताला के रहमत और बरकत वाले फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते। जैसे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु बैतिन ला यदखुलु फीह ज़ैफ ला यदखुलुहु अल मलाइकतु, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो घर के जिसमें मेहमान दाखिल नहीं होते तो उस घर में भी रहमत और बरकत वाले फरिश्ते भी दाखिल नहीं होते। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।